इट्स डीजे एसएस और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आहूजा के 30 वॉट एम्पलीफायर का फंक्शनिंग और इंटरनल सर्किट डायग्राम। आइए देखते हैं, आइए इसको ऑन करते हैं। ये है ऑक्स केबल, ये रखी है आपके एम्पलीफायर के ऑक्स पैनल में। आइए इसे कनेक्ट करते हैं। यह है ऑक्स की वॉल्यूम, यह है माइक की वॉल्यूम। जैसा आप देख सकते हैं माइक वन, माइक टू और ऑक्स, एंड दिस इज फॉर टोन, बेस्ट टोन सेटिंग्स। आइए अब आपको इसे ओपन करके इसका सर्किट डायग्राम दिखाते हैं। आइए ऑन करते हैं इसे। ये है इसका मेन ट्रांसफार्मर, जैसा कि आप देख सकते हैं 30 वॉट ट्रांसफार्मर। और ये है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर म्यूजिक आउट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं एक कॉमन आउटपुट है इसमें 4 ओम्स, 8 ओम्स, 16 ओम्स, ये आपके लो इंडिपेंडेंस आउटपुट है, और हाई पावर आउटपुट 100 वोल्ट्स पे। ये है बैक पैनल, ये आपका हाई पावर आउटपुट है, ये लो इंडिपेंडेंस आउटपुट है। यहाँ पे 12 वोल्ट कार बैटरी डीसी पे भी आपका एम्पलीफायर चल सकता है। फ्यूज है इसका 6 एम्पियर पे। ये है इसकी वर्किंग प्लेट, तो आइए इसे वापस बंद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल के आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।